इस प्रेस मीट में आपका क्या संदेश है आवाम के प्रति और साथ ही साथ समाज को और क्या कहना चाहेंगे? ये मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम हिंदुस्तान के आवाम को, चाहे वो किसी भी जात के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माइनॉरिटी मेजोरिटी, तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बर्थडे ऑफ मोहम्मद के प्रोग्राम के दिन अमन शांति से कायम रहे, क्योंकि ये हमारे नबी साहब का जन्मदिन है। मुबारकबाद इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ और आज ये प्रेस रिलीज इसलिए किए हैं ताकि तमाम अपने लोगों को जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, इस जुलूस मोहम्मदी में किसी भी तरह का कोई नाजायज काम ना करे, जिससे किसी तरह का अशांति हो, जैसे किसी तरह का कोई माहौल खराब हो, इसको आप अपने अंदर कामयाब रखें, अपने गार्जियन के साथ, प्रेसिडेंट के बाद, सिक्योरिटी के बाद को लेकर चले। आज रास्ते में जब चलते हैं तो बच्चों पे एहतियात रखें और बच्चों को जरा संभाल कर अच्छे से ले चलें। यही मैं आप लोगों को ये खान बिंदु बास्ती दरगाह में जैसे मैं कोलकाता पोर्ट से कंसिस्टेंट कैंडिडेट भी हो चुका हूँ। ऐसे देखने को मिलता है कि उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता है, उन्हें घर से निकलने तक की आजाद नहीं होती है आपके आवाम में, तो आप क्या कहना चाहेंगे हम हर एक आवाम को और साथ ही साथ सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को किस तरह से लड़कियों के लिए व्यवहार इसके लिए हमें पूरे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से लड़कियों के तरफ से जो मामला है तालीम हमारे यहाँ लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन लड़कियाँ तालीम हासिल करें उसके साथ ही और भी तालीम हासिल करें भी तालीम हासिल करें इसके साथ ही साथ लड़कियाँ अगर एक पर्दे का इस्तेमाल करें, पर्दे के साथ तालीम हासिल करें, तालीम में कोई कबाक नहीं, कोई भी तालीम हो दुनिया की तालीम हासिल करना ही, अगर हमारी लड़कियां तालीम हासिल करके आला मकाम हासिल करती है तो हमारी कौम तरक्की करेगी, जब कौम तरक्की करेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। तालीम बेहद जरूरी है, हर मैदान अमल में लड़कियों को तालीम के जरिए आगे आना चाहिए। हिंदुस्तान में हमारा रहने का ही पैगाम है, जो पैगाम हमारे नबी का था पैगाम इंसानियत, इंसानियत क्या पैगाम, वही पैगाम को हम लोग आम करते हैं, तालीमात की रोशनी में हो, है ना, तालीमात को आम करना हो, इस यही असल पैगाम यही आते हैं, जैसे जलसा होता है जो कमेटी होती है उसमें बाहर करती है, लेकिन पहले लगभग लड़कियों हजारों की तादाद में होता है, हम हजारों फील बना दें आवाम, छोटे छोटे सनत गिनती नहीं, छोटे छोटे काम में अगर क्या हजारों की तादादी होगा, ये काम आसानी से कर सकते हैं। हाँ इस तरह की हाँ हमारी कमेटी दरअसल लड़कियों के लिए खुशन काम कर रही है। आपका नाम मंसूर अहमद पाटिल।